दिनांक 17 अप्रैल 2015। बिहार का दरभंगा शहर आंसुओं की सैलाब में डूब गया जब मिथिला की धरती को छोड़ एक अद्वितीय व्यक्तित्व का स्वामी पंच तत्व में विलीन हो गया और अपने पीछे छोड़ गया कुछ खूबसूरत यादें, आंसू और आंखें जिनको उन्होंने संजोया था। एक व्यक्ति जो मिथिला के लिए मिसाल था, जिसने नेत्र चिकित्सा जगत में क्रांति लाई। आज स्वर्गीय डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव हमें छोड़कर स्वर्ग के आनंद में विलीन हो चुके हैं और पीछे अपनी कुछ खूबसूरत यादें छोड़ गए हैं। स्वर्गीय डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव एक बेहद प्रेरणाप्रद डॉक्टर होने के साथ साथ समर्पित समाज सेवक, अच्छे दोस्त और एक अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी थे। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे व्यक्तित्व की व्याख्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बात करें डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव के व्यक्तिगत जीवन की, 26 वर्ष की उम्र में 19 जून 1970 को परिणय सूत्र में दरभंगा के जाने माने पैथोलॉजिस्ट, जो कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर शंकरानंद वर्मा और विशालाक्षी वर्मा की पुत्री पूनम शेखर के साथ परिणय सूत्र में बंधे और तीन पुष्पों ने उनके आंगन को महकाया। वो तीन खूबसूरत फूल हैं आशीष, अनुभा और अमित, जो कि पिता की आंखों के तारे थे। डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म में भी रुचि रखते थे, जिसका प्रमाण है उनका छठ व्रत करना और विदेश यात्राओं के साथ साथ चारों धाम की यात्रा भी। मस्त मौला हमेशा प्रियजनों और दोस्तों से घिरे रहते थे। डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव ने नौवीं 1959 में पवनगामा हाई स्कूल से और दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज से ब्रिज यूनिवर्सिटी और 3 साल की डिग्री को प्राप्त किया और फिर उनके कदम चल पड़े अपने सपनों को नए आयाम देने। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से 1966 में MBBS और 1971 में MS की उपाधि के बाद एक सफल और लोकप्रिय डॉक्टर के रूप में उभरते उन्हें समय नहीं लगा और जल्द ही लोकप्रिय डॉक्टर के साथ साथ कुशल शिक्षक और समाज सेवक के रूप में विख्यात हो गए। अपने सपनों को आयाम देते देते प्रोफेसर डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव बड़े जन समुदाय की आंखों के स्वप्न बन गए। डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव ने अपने जीवन काल में लगभग 150 नेत्रहीन शिविरों का आयोजन कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। आंकड़ों की माने तो 50,000 से भी अधिक नेत्र रोगियों का सफल ऑपरेशन और इलाज कर कुशल डॉक्टर के रूप में स्वर्गीय डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव अनुकरणीय हैं। डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई छोटे बड़े पदों पर स्थापित रहते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा और दायित्व का निर्वहन कर शुरुआती दिनों में ही सर्वप्रिय हो गए। यूं तो डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव कई पदों पर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से सन 1968 से सन 1971 तक मलेरिया ऑफिसर के रूप में,
सहरसा में अपनी सेवा दी और इसी बीच उन्होंने सन 1970 में पहली बार जर्मनी से स्टिक रेटिनोस्कोप को मंगाकर एक ही सिटिंग में चश्मे की जांच को संभव बनाया। 70 के दशक के अंत में ही उन्होंने पहली बार मोतियाबिंद ऑपरेशन में टाका लगाना प्रारंभ कर दिया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जहां कभी वे पढ़ा करते थे, नेत्र विभाग के यशस्वी प्राध्यापक और फिर विभागाध्यक्ष के रूप में 1979 से 2002 तक अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव। उनके कार्यकाल के योगदान को राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हुई। सन 1983 में बिहार में पहली बार लेंस के साथ मोतियाबिंद के ऑपरेशन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। सन 2002 में दरभंगा में पहली बार फेको इमुलूसिफिकेशन की शुरुआत एक छोटे से कमरे से की। सन 2007 में आंख, नाक, कान, गला का अस्पताल एक ही छत के नीचे शुरू किया, जो आज शेखर नेत्रालय आंख, नाक, कान, गला अस्पताल के नाम से विख्यात है। ऐसे शख्सियत को शब्दों में पिरोना असंभव है। बस इतना ही कह सकते हैं कि तुझे अपनी पंक्तियों में समेट लूं, ऐसे शब्द कहाँ हैं, तेरी शख्सियत को लिखूं, ऐसी मेरी हैसियत कहाँ है। मुझे माफ करना, मैं नाचीज तुझे शब्दों में पिरोने चला था, भूल हुई, तू तो हृदय में है, भावनाओं में है, तू सिमट जाए पंक्तियों में, शब्दों में इतनी ताकत कहाँ है। तुम अनेक में एक अन्यतम, सजल प्रेममय स्वभावी जीवन के आदर्श हो अनुपम, तुम अनेक में एक अन्यतम।